वेलकम बैक फ्रेंड्स। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में कहा था आपसे कि मैं नेक्स्ट वीडियो में हेक्स कोड के बारे में बताऊंगा कि आप 8051 में हेक्स कोड किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में यही बताने वाला हूं कि आप जो पोर्ट यूज करते हो उसकी एक बिट यूज करते हो। कैसे यूज करते थे, हमने वहां पर एक कमांड लिखी थी, एस बिट लिखते थे, फिर हम स्पेस देते थे, कोई भी एक नाम देते थे, इक्वल लगाते थे, पोर्ट 2 लेते थे या पोर्ट 0, फिर उसके बाद हम वेक्टर साइन या कैरेट साइन लगाते थे और फिर उसकी पिन डिफाइन करते थे 0, 1, 2, 3, 4 और 7 तक, क्योंकि हमारे पास जो पोर्ट होता है वो कितने पिन का होता है, पोर्ट जो होता है उसके अंदर कितनी पिन होती है, 8 पिन, या कह लीजिए 8 बिट, और जो कि कहां से कहां तक जाती है आपकी, 0 से 7 तक, यानी P2 का 0, P2 का 1, P2 का या P1 का 0, P1 का 7, इस तरीके से। तो अब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि हेक्साडेसिमल जो कोड होता है हमारा, जो हमने यूज किया था कुछ इस तरीके के हेक्साडेसिमल आप कोड यूज करोगे कि P2 इक्वल्स टू यानी पोर्ट 2, और आउटपुट में क्या दोगे आप उसको, FF या 0x 0xEF। यहाँ पर 0x का मतलब है हेक्साडेसिमल, यानी आप हेक्साडेसिमल का कोड दे रहे हो किसको, P2 को, और FF क्या है, ये कोड है। तो FF को अगर हम देखा जाए तो ये कुछ नहीं है, अगर हम इसको बाइनरी में देखें तो ये 8 बिट की बाइनरी है। तो 8 बिट की बाइनरी का मतलब क्या हो गया, 1111, यानी स्टार्टिंग का F, जो मैं यहाँ पर एक कॉमा लगा देता हूँ और ये डाल देता हूँ यहाँ F, 1111 कॉमा और 1111। तो देखिए दोस्तों कि ये जो FF है कुछ ये बाइनरी में इस तरीके का दिखेगा आपको, और ये जो है आपका जो शो करेगा आपको वो क्या शो करेगा कि ये आपकी जो बाइनरी का नंबर है वो कुछ इस तरीके से होगा, जो पिन को डिफाइन करेगा वो 7 से लेके कहां तक डिफाइन कर रहा है, 0 तक। यानी ये क्या है आपकी LSB और ये क्या है आपकी MSB। तो कुछ ये कुछ इस तरीके से है, फिर ये आपकी, ये हो गई आपकी LSB और ये हो गई आपकी MSB। तो ये वाला पार्ट जो है आपका MSB कहलाएगा और ये वाला पार्ट आपका LSB कहलाएगा, जो कि वो यहाँ तक शो करेगा, और ये वाला पार्ट जो है वो इसके लिए है। तो इसकी जो पिन है कौन सी है, 1 यानी 0 से लेके कहाँ तक पिन जा रही है, ये 3 तक, और ये 4 से 7 तक, ये वाली पिन आपकी ये यहाँ तक। तो फ्रेंड्स ये यही है, जैसे अगर आपको पिन एक पोर्ट की, मान लीजिए आपको एक पोर्ट की कौन सी पिन यूज करनी है, 3rd पिन यूज करनी है, यानी उसकी लोकेशन क्या होगी, अगर हम 0 से काउंट करें तो वो होगी आपकी नंबर 2 पिन, और आपको उसको एक्टिव करना है। तो आप क्या लिखोगे, P2 इक्वल्स टू 0x यानी हेक्स कोड, यानी आपको कौन सी पिन पोर्ट की ऑन करनी है, 3rd पिन, यानी 3rd पिन को आपको सिग्नल हाई देना है। तो कुछ यहाँ पर 3rd पिन को सिग्नल इस तरीके से देख लीजिए, ये 4 0 हो गए और ये 4 0 हो गए। तो आपको ये वाली पिन जो है क्या करनी है, हाई करनी है। तो इसके लिए अब हम प्रोग्रामिंग लिखें, तो P2 इज इक्वल टू 0x 0, यानी इस पूरे के लिए क्या लिख दिया हमने, ये 0 लिखा, और ये हमने क्या किया, इसके लिए हमने डिनोट कर दिया कि ये 0 है तो ये 0 है। और अब हमें क्या करना है, सिर्फ इस 4 पिन को क्या करना है, हेक्साडेसिमल से डिफाइन करना है। तो हेक्साडेसिमल में ये वैल्यू कौन सी है, ये होती है 1, ये होती है 2, ये होती है 4। इसको क्या लिखेंगे हम, 1, इसको लिखेंगे 2, ये होती है 4 पिन और ये होती है 8। यानी ये बाइनरी में अगर हम इसको 1 कर देंगे तो कुछ ये इस तरीके से दिखेगा आपको, तो 0100, और इसको अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां पर क्या आ जाएगा, 4। अगर हम यहां पर सिग्नल 4 देंगे
तो वो क्या समझेगा, वो ये समझेगा कि आपको जो आउटपुट मिला है वो ये वाला आउटपुट मिला है, ये वाला, इस रेड का मतलब होगा ये वाला अगर आपको आउटपुट चाहिए। तो कुछ इस तरीके से 0000 000, और अभी हमको क्या चाहिए, ये चाहिए। तो अब हम देखते हैं, तो ये पी टू इक्वल्स टू 0x, ये 0 है और ये क्या हो जाएगा, सही 8, क्योंकि ये क्या है, बाइनरी फॉर्म। और इस बाइनरी को अगर हम क्या लिखें, ये लिख लेते हैं, इसके नीचे ये है आपकी MSB और ये है आपकी LSB, जो कि आपकी इक्वल कर देते हैं इसको, और हम इसको भी इक्वल कर देते हैं। तो ये डेसिमल जो फॉर्म है इसकी है 8 और इसकी डेसिमल फॉर्म है 0, तो ये आपको आउटपुट कुछ इस तरीके से पिन पे देखने को मिलेगा, जो कि आपकी LSB और MSB की पिने कौन सी होती हैं, ये 7 से लेके 4 तक, ये है आपकी पिन। और इस LSB के लिए पिन होती हैं आपकी 3 से लेके 0 तक, ये आपकी पिन होती हैं। अगर सपोज करिए फ्रेंड्स, मुझे क्या करना है, 0 1 0 1, अब मुझे ये वाला आउटपुट चाहिए, यानी मुझे LSB पर ये चाहिए और MSB पर ये चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसकी अगर हम देखा जाए बाइनरी को, अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करके देखें, तो ये बनती है आपकी 5। कैसे, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 का मतलब क्या हुआ, 4, और 2 की पावर 0 यानी 1, तो 4 और 1 कितना हो गया, 5, ये बन गया आपका 5। तो यहाँ पर जो आपका P2 पे या पोर्ट पे जो आउटपुट आएगा वो आएगा 5। अगर फ्रेंड्स मैं इसको 1 कर देता हूँ, तो ये आपकी बाइनरी है 7 की, यानी डेसिमल में 7 और बाइनरी में ये, तो आप इन 4 के लिए यहाँ पर लिखेंगे 7। सपोज करिए फ्रेंड्स, अगर यहाँ पर हो जाता है 1 और यहाँ पर हो जाता है 0, तो ये होता है आपका 8, ये है आपका 2, यानी 8 और 2 10, और 1 11, 11 का मतलब होता है B। हेक्साडेसिमल में जो है इसको B से डिनोट करते हैं और इसको लिखेंगे हम B। सो फ्रेंड्स, इतना इजी है, बस आपको पोर्ट को जो भी हम बाइनरी के फॉर्म में इनपुट देंगे, हम उसको क्या करेंगे, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, यही है, इतना इजी लॉजिक है इसका। अगर आपको अब भी कोई प्रॉब्लम है तो होपफुली एक बार और इस वीडियो को देखिए, या आपको कोई प्रॉब्लम है, जो भी आपकी क्वेरी है, आप मुझे इसके कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, होपफुली मैं आपकी डाउट्स क्लियर कर दूंगा। और अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर या किसी चीज़ के रिगार्डिंग आपको कुछ पूछना है, तो आप मुझे मेल भी कर सकते हो, मेरी ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में गिवन भी है। सो थैंक यू फ्रेंड्स।